नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर दिल्ली। आज हम बहुत अहम मुद्दे पे बात करेंगे। मैं किडनी की बीमारी का इलाज पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, और एक नंबर वन क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट मेरे पास जब आता है वो पूछता है, और बहुत ही सही सवाल है, कि डॉक्टर साहब मैं अपने क्रिएटिनिन को कम कैसे करूँ। तो आज हम जिक्र करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप आपका क्रिएटिनिन कम हो। इससे पहले मैं सर आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि क्रिएटिनिन क्या चीज़ होती है, यूरिया क्रिएटिनिन आखिर है क्या। तो हम जो खाना खाते हैं, खाने में आपको हम ले जाएंगे आपके बायोलॉजी डेज में, मुख्य 4 पदार्थ होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोटीन, नंबर 2 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 पे फैट, और नंबर 4 पे विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। तो जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन बॉडी में जाता है वो लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उससे यूरिया और क्रिएटिनिन बनते हैं। ये ब्लड द्वारा किडनी की तरफ जाते हैं, और किडनी में फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे चाय की छलनी है वैसे फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो उसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी उसमें जो छेद हैं उसके दौरान उसमें से यूरिया क्रिएटिनिन बाहर निकलता है, साथ साथ पानी भी बाहर निकलता है, लेकिन उसमें जो ब्लड में वाइटामिन्स हैं और इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं और जो मिनरल्स हैं वो सब छलनी हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो इस दौरान यूरिया क्रिएटिनिन को निकालने का अहम काम किडनी करती है। तो जाहिर है कि जब किडनी डैमेज हो रही है तो यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन को कम करें, यानी अपनी किडनी को डैमेज से बचाए रखें, और अगर डैमेज हो गई है तो उसको डैमेज को कम करें। इसके लिए हमें देखना होगा कि किडनी डैमेज हुई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। तो जो 3 मुख्य कारण हैं किडनी डैमेज के, उसके बारे में जिक्र करना होगा। नंबर 1 पे है, भारत में डायबिटीज़ आ गई है। ये 2002 में संजय गांधी पीजीआई में जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये पब्लिश किया कि भारत ये जो में भी जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी है वो नंबर 1 कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ बन गई है। उस समय लोगों ने माना नहीं था, क्योंकि ये सोचते थे कि जो डायबिटीज़ है अमीर लोगों की, अमीर देशों की बीमारी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारी है। लेकिन बाद में कई स्टडीज़ आई, पीजीआई चंडीगढ़ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, साउथ से भी, जिनमें हमारी बात को ये माना गया और ये पब्लिश हुई हुई है स्टडी हमारी, कि डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है किडनी डिजीज़ का। तो अगर आपने अपने क्रिएटिनिन को कम करना है तो सबसे पहले अगर आपको शुगर की बीमारी है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है। अगर शुगर बढ़ेगा, शुगर किडनीज़ के फिल्टर्स पे असर करता है और फिल्टर्स को ब्लॉक करता है, तो जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, यूरिया क्रिएटिनिन पेशाब में कम निकलेगा, यूरिन में कम निकलेगा, और नेचुरली वो ब्लड में बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। नंबर 3 कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, किडनी डैमेज का। और यही नहीं, जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी डैमेज है उनका अगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं अच्छा हो तो वो 5 गुना फास्टर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो अगर आप ब्लड किडनी के बीमारी वाले मरीज को कुछ ना और करें, सिर्फ उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन इम्प्रूव हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। और ब्लड प्रेशर भी जो हम टारगेट करते हैं किडनी के पेशेंट्स में, वो 120 या 130 सिस्टोलिक करते हैं, 150 या 140 भी हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो अगर आपने क्रिएटिनिन को कम रखना है तो यूरिया ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन लीकेज। किडनी की बीमारी का बहुत अहम कारण होता है प्रोटीन लीकेज, और जितना ज़्यादा प्रोटीन लीक होगा उतनी फास्टर किडनी डिजीज बढ़ेगी। तो आपने प्रोटीन लीकेज को कम करना है। तो ये कैसे करें, इसके लिए बहुत ही सरल दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या ACE इनहिबिटर।
तो ये आई एम श्योर अगर आप अपने किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अंडर सुपरविजन इसको शुरू करनी चाहिए, और धीरे धीरे वो दवाइयाँ ये बढ़ाते हैं जो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती हैं और साथ साथ प्रोटीन लीकेज भी कंट्रोल करती हैं। तो ये जब देखा गया है कि जैसे ही प्रोटीन लीकेज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, अगर हम दोनों को टारगेट करें तो किडनी की प्रोग्रेशन 1/10 पे आ जाता है, यानी 10 टाइम स्लोअर रेट ऑफ प्रोग्रेशन है। तो यूरिया क्रिएटिनिन कम करने का एक बहुत अच्छा चार ये भी है। नेक्स्ट हम आएंगे डाइट, और डाइट पे सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि किडनी का पेशेंट क्या डाइट ले ताकि उसका यूरिया क्रिएटिनिन कम हो। तो इसमें हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मिडिल पाथ इज़ द बेस्ट पाथ, यानी बीच का रास्ता जो है हमेशा ठीक रहता है, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर अक्सर ये देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में जो है हमारे देश के पेशेंट्स हैं, जब वो आते हैं वो प्रोटीन खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं कि भाई क्रिएटिनिन कम होगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि कुछ हद तक प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी इम्यूनिटी को बोल्स्टर करता है और साथ साथ जो डैमेज टिश्यूज है उसको रिपेयर करता है। तो अगर आप प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली आपका टेम्परेरली तो यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा, क्योंकि जो प्रोटीन लिवर में जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, यूरिया क्रिएटिनिन बनेगा ही नहीं। तो अगर आप हकीम वैद्य या इस तरह के टाउट्स के पास जाते हैं, वो आपको खुश करने के लिए क्या करते हैं, आपकी प्रोटीन डाइट से बिल्कुल बंद कर देते हैं, घी या लौकी तौरी पे डाल देते हैं, तो टेम्परेली तो आपका प्रोटीन कम होगा, लेकिन आगे जाके क्या होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पिछले 30 साल में देखा है कि ये पेशेंट्स की बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है कि इनको इन्फेक्शन होते हैं, और जहाँ इन्फेक्शन मरीज़ को हुआ वो किडनी पे एकदम से प्रेशर डालता है, और जो किडनी शायद 5 साल चलनी थी, 6 साल चलनी थी, वो कम 6 महीने में ही फेल हो जाती है। तो क्या करें। दूसरे एक्सट्रीम पे है जो वेस्टर्न डाइट है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, इसमें कोई शक नहीं कि वो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में एग फिश चिकन मीट खाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, दैट इज़ अ हाई प्रोटीन डाइट। लेकिन जो भारतीय डाइट है, जो इंडियन डाइट है, दैट इज़ ऑलरेडी अ लो प्रोटीन डाइट। यानी हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग दाल खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दाल में बहुत कम प्रोटीन होता है, चावल में, वीट में एक बहुत कम प्रोटीन है। तो जो एवरेज प्रोटीन इंटेक अगर आप साइंटिफिक तौर पे हमसे पूछें तो 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी है, जो अगर कोई भी वेजिटेरियन आदमी है उसमें उतनी ही प्रोटीन जा रहा है। तो प्लीज़, और शाकाहारी लोगों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि आप प्रोटीन की मात्रा को फर्दर रिड्यूस नहीं करें, क्यों आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। हाँ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, इसमें बड़ी क्लियर रिसर्च आई है कि पिछले साल 2019 में ये लैंडमार्क पेपर, साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ, उन्होंने दो ग्रुप्स को कंपेयर किया, एक प्योर शाकाहारी और एक प्योर नॉन वेजिटेरियन लोग, मांसाहारी लोग, और उन्होंने ये देखा जो शाकाहारी लोग थे उनका यूरिया क्रिएटिनिन कम हुआ। तो अगर आप मांसाहारी हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यू शुड स्विच ओवर टू अ वेजिटेरियन डाइट, प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल प्रोटीन छोड़ दें, हाँ आप डेली एक अंडा खा सकते हैं, एग वाइट ज़रूर लें, महीने में या हफ्ते में एक आध बार चिकन खा लें, लेकिन ये नहीं कि रोज़ चिकन फिश एग खाना है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर स्विच करेंगे तो जो प्लांट प्रोटीन्स हैं उनसे कम यूरिया क्रिएटिनिन बनता है। तो प्लीज़ नोट कि अगर आपने यूरिया क्रिएटिनिन को कम रखना है तो प्लांट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। एक और डाइट का बहुत अहम कंपोनेंट है नमक, और ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा नमक लेंगे उतना ज़्यादा हाई प्रोटीन लीकेज होगा यूरिन में और उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है तो कम नमक का इस्तेमाल करें, और वो भी साधारण जो टाटा का आयोडाइज सॉल्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करें। लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स पे मत जाएं, क्योंकि लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम ये देखा गया है कि किडनी वाले पेशेंट्स में अगर बढ़े तो सीधा हार्ट को असर करता है। तो इसलिए आप साधारण नमक लगभग 3 से 5 ग्राम का इस्तेमाल करें, और इससे अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो दवाइयों के इफ़ेक्ट है वो भी डबल हो जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ों फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई,
और साथ साथ ब्लड टेस्ट करें और अपने किडनी के डॉक्टर से संपर्क में रहें। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास आज की डेट में कुछ कीटो एनालॉग सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो किडनी के पेशेंट्स में यूरिया क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अगर आप ये सिर्फ दवाइयों पर निर्भर करेंगे तो निश्चय वो दवाइयाँ फेल हो जाएंगी। तो अगर आप ये फॉलो करें तो ये आई एम श्योर कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन कम होगा और आप डायलिसिस से बचे रहेंगे। थैंक यू।